एक छोटे से गांव में, जहां घर मिट्टी के और रास्ते कच्चे थे, एक मासूम बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के माता पिता बहुत गरीब थे और खेतों में काम करते थे, लेकिन मोहन की आंखों में बड़े सपने चमकते थे। आप ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं और महीनों में लाखों कमाना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको 5 स्टेप का फॉलो करना होगा और एक चीज बताना चाहूंगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा और ऐसे ही सिनेमेटिक 3D एनिमेशन की वीडियो आप बना पाएंगे। आप जो मेरा सिस्टम देख रहे हैं ये यूट्यूब के पैसों से आया है, ठीक है? ये जितना सिस्टम आप देख रहे हैं यूट्यूब के पैसों से आया है। और ये सब कैसे संभव हो पाया? बस इन्हीं वीडियो की वजह से संभव हो पाया, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे कंटेंट डालते होंगे जिनसे कि आपका वीडियो वायरल नहीं होता होगा, वीडियो में व्यूज नहीं आते होंगे, लेकिन ऐसा कंटेंट कुछ 3D एनिमेशन के वीडियो जो बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, लाखों कमाएंगे आप, उसमें वीडियो क्रिएट करके डालते हैं 100% वायरल होंगे। तो लेकिन आपको इससे पहले इस वीडियो को बनाना कैसे है, कितने अच्छे से क्रिएट करना है और कैसे कैसे हमको इसके लिए स्क्रिप्ट लेना होगा, तो स्क्रिप्ट के लिए आपको ChatGPT पे जाना होगा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं ChatGPT क्या है। वहां से आपको स्क्रिप्ट तो मिल जाएगी, लेकिन वीडियो एडिट कहाँ से करना है, फोटोज कहाँ से निकालने हैं, वीडियो को निकालना कहाँ से है, कहाँ से ऐसे सिनेमेटिक वीडियो निकालना होगा जिनको देखने के बाद जो भी व्यूअर्स आएगा वो देखता ही रह जाएगा, वॉइस कहाँ से निकालना है, इसके लिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आए और यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च करते हैं ChatGPT, ठीक है? ChatGPT जो कि सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा। ChatGPT जानने के बाद न्यू ChatGPT ऐसे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा यहाँ से, और एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर चैट का मैसेज दिख रहा है, नीचे यहाँ पे चैट का मैसेज दिख रहा है, वहां पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे टाइप करना होगा, जिस कैटेगरी का आप स्क्रिप्ट चाहते हैं उस हिसाब से इसको यहाँ पे टाइप करें। तो एक ले रहे हैं अपने पास से एक बच्चा और उसकी अधूरी कहानी, एक बच्चा और उसकी अधूरी कहानी, और इसको यहां से सेंड कर देते हैं, उधर से स्क्रिप्ट लिख के आ जाएगा पूरी एक। अब यहां पे आपको क्लिक करना होगा, पूरा लिख के आ गया कहानी स्क्रिप्ट। अब यहां पे लिखना है आपको क्रिएट इमेज प्रॉम्प्ट ऑफ दिस, ठीक है? यहां पे लिखने के बाद यहां पे आप इसको सेंड कर देंगे और उसके कुछ सेकेंड बाद आपको इसका प्रॉम्प्ट पूरा मिल जाएगा, फर्स्ट प्रॉम्प्ट। ओके, अब यहां पे फर्स्ट प्रॉम्प्ट आ गया, सेकेंड प्रॉम्प्ट आ गया, और आपको ऐसे जितने प्रॉम्प्ट मिले होंगे यहां से मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक ही अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको जाना है, आपको एक नया वेबसाइट ओपन करना होगा और उस नए वेबसाइट का नाम होगा जहां से आपको इमेज लिखना है, तो बिगिन AI इमेज क्रिएटर। आपको जाना है इसमें ऐड करना है इस प्रॉम्प्ट को, ठीक है? तो ऐड करने के लिए आपको उसको पेस्ट कर देना और क्रिएट कर देना है। भाई ये मैंने पहले बनाया था वो है, और क्रिएट के लिए मैंने कर दिया है और स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा समय वेट करना होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने एक गांव के बच्चे का प्रॉम्प्ट डाला था और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसा सीन हो रखा है। एक गाँव, एक बकरी वकरी है, तो इसमें एक आपको चूज करना है, इसमें कौन चूज करेंगे आप वो आप जान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही चूज कर लेना। सो फिलहाल के लिए मैं इसको चूज कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको चूज करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका बिग साइज ऐसे आ जाएगा, और इसको हम अपने YouTube के साइज में अगर जो करना चाहेंगे तो इसके लिए यहाँ पर साइज दिया, रिसाइज, रिसाइज पे आप जाने के बाद यहाँ पे YouTube के साइज पे कर देंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद ये जो पूरा आप दिख रहा है ये YouTube के साइज में दिखने लगेगा। और इसको अब हमको क्रिएट करना है एक वीडियो में, तो इसके लिए आपको ऐड करना होगा, फिलहाल वेट करते हैं इसको YouTube के साइज में होने का। जो फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं कि YouTube के साइज में हो गया है, और इसको अब यहां से हम डाउनलोड कर लेंगे, और इसको डाउनलोड करने के बाद अगला स्टेप हमारा होगा रनवे। ये एक रनवे एप्लीकेशन है, यहां पे आपको जाना होगा और यहां से इसको इस टूल्स ऑफ द ह्यूमन इमेजिनेशन, इसको क्लिक करेंगे आप तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले आप वेट करें और अप्लाई का ऑप्शन आएगा भी जी। अब यहां पे नीचे लिखा हुआ है ट्राई रनवे, इस पर आप क्लिक करेंगे यहां पर, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन मिलेगा, और उस नए पेज में आप जाएंगे तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। अब हम नए पेज में आ गए हैं, अब यहां पर आपको इस चाइनीज लड़की को चूज करना होगा, ठीक है? इसको चूज करेंगे, लिखा है टेक्स्ट इमेज,
अब आप वीडियो ऐसे को लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, नेटवर्क स्लो चल रहा है अभी। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट हाफ, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, हमने इतना कुछ बनाया है अभी इससे पहले, और यहाँ पर सिलेक्ट इमेज, और अभी जो मैंने डाउनलोड किया है उस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, चेक कर लूँ, हाँ यही इमेज है। तो इस इमेज को हम इसमें ऐड करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, और ऐसे आपको मोबाइल में सब करना होगा। मोबाइल में ऐसे ही चलेगा, डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आप यूज करना। और ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है मेरे को, तो प्रॉम्प्ट यहाँ पर डालने के लिए पेस्ट कर देना जो अभी हमने कॉपी किया था वहां से प्रॉम्प्ट, और जनरेट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, और फाइनली रिजल्ट हमको मिलने वाला है। 97% हो चुका है और हमको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ वीडियो भी जनरेट हो गया है, इसको क्लिक करके एक बार देख लेते हैं कैसा जनरेट हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ बकरियां हैं और हरा भरा खेत है, पेड़ लगा है, बबूल का घर बना हुआ है। इसको वीडियो को देखते हैं कैसा देखने में लगेगा। आप देख सकते, वो भाई साहब AI जनरेटेड हुआ है, भाई साहब AI जनरेटेड, देख सकते हैं आप, देखिए इसको जूम करके दिखा रहे हैं। यही वीडियो भी जनरेट हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह एक विलेज का, छोटा सा गांव का वीडियो जनरेट करके AI ने हमको दिया है। अब इस वीडियो में हमको वॉइस ऐड करना है। इससे पहले कि हम इसमें वॉइस ऐड करें, इसको डाउनलोड कर लेंगे यहां से, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन है, यहां पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा, और ये डाउनलोड हो रहा है अभी। यहां पर ऊपर देख सकते हैं आप, डाउनलोड हो रहा है ये यहां पर। और डाउनलोड होने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं। आपने इंट्रो में देखा है, लेकिन अब बता रहे हैं कि कैसे जनरेट करना है। तो ये डाउनलोड हो रहा है अभी, और डाउनलोड हो चुका है, ओके। और डाउनलोड हो चुका है तो इसको अब रोक देते हैं हम, और एक नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। नेक्स्ट पेज मैंने ओपन किया, इसमें लिखना है देसी वोकल AI, इस पर क्लिक करेंगे, पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, देसी वोकल AI फ्री टेक्स्ट टू स्पीच, और यहां पर आप इसका टेस्ट करेंगे, तो लिस्टन दो गेट स्टार्ट, यहां से आप स्टार्ट कर लेंगे, सो गेट स्टार्ट, और इसको अपने जीमेल या गूगल से लॉग इन करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी वॉइस हैं, तो इसको आप अपने में ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ से कुछ भी वॉइस आप चेक कर लें एक बार, और कैसे क्रिएट करना ये आपको बताएंगे। कहानियों को जीवंत बनाने के लिए देसी वोकल के साथ जुड़, हमारी आवाज में वह जादू है जो हर कहानी को जीवंत कर बच्चों की कहानी अपने ब्रांड को नई ऊंचाई पर ले जाए। अलग अलग के वॉइस है के साथ अपने विज्ञापनों को और भी आकर्षक। देसी वोकल में आपका स्वागत है। किसी व्यक्ति को वीडियो में व्यस्त रखने के लिए एंकर वॉइसेस सबसे इंपॉर्टेंट हुक में से एक है। अपनी वीडियो अब यहाँ पर नीचे यूज वॉइस का ऑप्शन है, तो वहां से आप इसको यूज कर पाएंगे। टेस्ट बनाए और ग्राहकों तक अपनी बात पहुंचाए। तो यहाँ से यूज वॉइस, और यहाँ पर जो हमारा स्क्रिप्ट था उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको फिलहाल के लिए डिलीट करना है मेरे को, इसको डिलीट कर रहे हैं अभी नया स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं इसमें एडिट किया हूँ इससे पहले, और स्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ पे था वही स्क्रिप्ट इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। एक छोटे से गांव में चमत्कार बच्चा, चमत्कार कॉपी कर लेते हैं, कुछ कहानी है ऐसे, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जनरेट कर देंगे। 500 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 203 ही शब्द वर्ड यूज किए हैं, और जनरेट का वेट करते हैं। जनरेट के बाद इसके वॉइस ऑप्शन तक कहानी जो बन के आया है, तो देखिए आ गया जनरेट होके। आप इसको सुने एक बार। एक छोटे से गांव में जहां घर मिट्टी के और रास्ते कच्चे थे, एक मासूम बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन। मोहन के माता पिता बहुत गरीब थे और खेतों में काम करते थे, लेकिन मोहन की आंखों में बड़े सपने चमकते थे। फाइनली आपने इसको देख लिया कि कैसा वॉइस आ रहा है इसमें। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने होम पेज पर, लेना है और डाउनलोड होने के बाद होम पेज पे चलते हैं। इसको एडिट करने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, मैं तो फिलहाल के लिए VN यूज कर रहा हूं, और VN एप्लीकेशन यूज करने के बाद